चैनल में फिर से आज मैं सब अपने प्लांट में ये सीवीड का स्प्रे कर रही हूँ। सीवीड प्लस का पाउच मैंने लिया था नर्सरी से और वो इसमें बनाया है मैंने। 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा छोटा चम्मच ही डाला है लिक्विड इसका, और मैं आज सब प्लांट में स्प्रे करने जा रही हूँ जिससे प्लांट की ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आए। देखिए मैं अपने मोगरे के प्लांट पर इसको स्टार्टिंग कर रही हूँ देखने के लिए। आपको मैं इसका अपडेट भी दिखाऊंगी कि कितनी ग्रोथ हुई, कितनी कली आई, आपको मैं बताऊंगी कि कितनी अच्छी ग्रोथ हुई, क्या रिजल्ट आया मैं आपको बताऊंगी। मैं देखिए मैं सब प्लांट में अपने गुलाब मोगरा सब में मैं इसको स्प्रे करती हूँ सब में। और इसकी थोड़ी कम क्वांटिटी रखी है मैंने लिक्विड की, पानी ज़्यादा। जिससे इस गर्मी में इसको ज़्यादा इफेक्ट ना हो प्लांट को हमारे। देखिए मेरे रोज़ प्लांट में कितनी प्यारी कली खिली है, कितना फूल खिला है। देखिए मेरे विंटर के प्लांट भी अच्छे चल रहे हैं अभी तो। ये डेंथस, ये पेंजी, ये डेंथस देखिए। और इसमें देखिए ये देखिए ऐसे ही इसमें विंका के फ्लावर, मेरे रोज के प्लांट। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए हम घर पर जो खाद और लिक्विड जो बना है पड़ा है वो ही हम दे सकते हैं, कुछ बाहर से तो लेकर नहीं आते। और मेहर 7-8 दिन के बाद मैं काउडंग लिक्विड और बनाना पी, ये दो मेरे पास पड़े हैं तो मैं वो देती हूँ सब में। देखिए और नई नई ग्रोथ होती है। गर्मी में ज़्यादा हमको ख्याल रखना पड़ता है प्लांट का। अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है। देखिए मेरा ये कश्मीरी रोज़ का प्लांट सब में देखिए 1, 2, 3, 4 कितने प्यारे फ्लावर खिले इस गर्मी में भी। देखिए और ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ये भी देखिए मैंने सबकी प्लेस चेंज कर दी थी ये इनका, इसमें भी नई नई ग्रोथ आई। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ये देखिए सब में नई नई देखिए नई नई पत्ती इसमें भी आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। वो मेरा आलामंडा की ये बेल, इसमें भी जो 2 पत्ते ही थे अब इतनी बड़ी हो गई। और मेरे डॉग फ्लावर भी कितने प्यारे लग रहे देखिए। और ये पिटोनिया का फ्लावर भी खिला है अभी भी, कितनी गर्मी में भी ये सब फ्लावरिंग करते हैं देखिए, उसमें भी फ्लावर खिले डॉग फ्लावर। फर्स्ट टाइम और देखिए इसमें फ्लावर देसी हिबिस्कस में रोज 3-4 फ्लावर आते ही रहते हैं देखिए गर्मी में। और वो भी वहाँ भी इसमें भी मैं स्प्रे कर देती हूँ जिससे इसके पत्ते और भी अच्छे हो जाएं, ग्रीन हो जाएं और फ्लावर भी अच्छे आए। डबल पेटल वाला ये देखिए इसके पत्ते पीले हो जाते हैं पर गर्मी के कारण, बट फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है इसमें। देखिए इसमें नीचे बड़ा सा फ्लावर खिला था, गर्मी के कारण वो ऐसा मुरझा गया है। देखिए कल 3 फ्लावर खिले थे इसमें डबल पेटल वाला हिबिस्कस में, 3 फ्लावर खिले थे कल, वो भी बर्ड बनते हैं। और ये देसी वाला और ये देसी हाँ उसमें भी देखिए पिंक कलर का, इसमें भी कलियाँ बनने लगी बिल्कुल। इसकी तो
हालत ही खराब हो गई थी, सब ऐसे पीले पत्ते पड़ गए थे, कुछ नहीं था, फिर भी देखिए यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो गई और इसमें भी कली आने लगी। और ये हमारा देखिए इसमें भी नए नए पत्ते नीचे से निकल गए। देखिए गर्मी के लिए, गर्मी के कारण मैंने थोड़ा इसको शॉप में, देखिए शॉप में ये भी मेरा डबल पेटल वाला हिबिस्कस का प्लांट है। देखिए ये भी, इसको भी मैंने सेट में रख दिया है ये सब, और अभी भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं ग्रेड आउटिंग में। और ये मेरे सब रेन लिलीज मैंने सब अलग अलग लगाया था ना, सबकी ग्रोथ अच्छी होने लगी। देखिए और ये देखिए मेरे सेवंती के प्लांट, उसमें भी अभी भी कलियाँ बन रही है। देखिए इसमें भी। ओके फ्रेंड्स बाय, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।